सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज और एक नया ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, देख सकते हो ये है मेरा बाइक और मैं अभी इसका टेस्ट ड्राइव करने वाला हूँ। क्योंकि सबसे पहले बताओ गाड़ी के बारे में, तो गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी फ्री है गाड़ी। और मैं अभी आ गया था स्कूल के पास, तो देख सकते हो स्कूल का बच्चा है, थोड़ा बहुत देख के चलना पड़ रहा है, काफ़ी मुश्किल है, भीड़ भाड़ वाला जगह है। आज लगता है यहाँ पर स्कूल का कुछ फंक्शन वगैरह है, इसीलिए काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। और मैं भीड़ भाड़ की जगह से निकल गया हूँ, अभी बिल्कुल फ्री में हूँ और गाड़ी चलाना में काफ़ी मस्त है, बिल्कुल फ्री इंजन है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है गाड़ी। इसके बारे में नो कमेंट, स्मूथनेस इतना अच्छा है मुझे। और भाई गाड़ी का पावर काफ़ी ज़बरदस्त है, इस गाड़ी का पावर देख सकते हो, सिंपली पकड़ के रखा हो 32 ऑटोमेटिक चला जाता है, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली 32-40 स्पीड पकड़ लेगा। मतलब एक मिनट तो क्या 30 सेकंड भी नहीं लगता है 40 का स्पीड पकड़ने में, काफ़ी मस्त है। और कहीं देख सकते हो अभी मैं कुछ इस तरीके का रोड में हूँ और इससे वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे, काफ़ी लोग देख रहे हैं मुझे, ये हेलमेट में मोबाइल को ऑफिस करके क्या कर रहा है लड़का। सो गाइस, मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए काफ़ी कुछ देखना पड़ता है और यहाँ से अभी जाऊँगा, सब लोग देख रहे हैं मुझे, जितना भी लोग हैं सब लोग देख रहे हैं, हंस रहा है, जिसका जो मर्जी हुआ कर रहा है, बट मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो चूतिया है, दोबारा ट्राई करेंगे, अब जिसको जो करना है करने दो। और गाइस, सबसे पहले गाड़ी का अंदर फीचर बहुत है, भर भर के फीचर है, क्योंकि इतना मतलब एक स्कूटर में इतना ज़्यादा फीचर है, मैं क्या बताऊँ फीचर के बारे में। डिस्प्ले में आपको काफ़ी सारा जानकारी देखने को मिल जाएगा, प्लस इंजन काफ़ी स्मूथ है, प्लस माइलेज भी लगभग 30-35-40 का बीच में मिल जाएगा काफ़ी आसानी से। और गाइस, काफ़ी मस्त है गाड़ी, मैं चला रहा हूँ गाड़ी, मतलब 1 वीक से चला रहा हूँ, इसके लिए मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा दिन चला के वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँगा मैं। ये बंदा भी देख के हंस रहा था, पता नहीं है। और गाइस, मेरा यही एक ही बात बोलना है, गाड़ी काफ़ी स्मूथ है और चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। और गाइस, मैं अभी निकल रहा हूँ अपना घर के लिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, और देख सकते हो मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ और काफ़ी स्मूथ चल रहा है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, इतना ज़बरदस्त है कि स्कूटर में इतना पिकअप मैंने तो कभी नहीं देखा, काफ़ी सारा स्कूटर यूज़ किया। और आज देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लगा हुआ है हर जगह, पता नहीं क्या चल रहा है आज, कोई स्कूल का फेस्टिवल वगैरह होगा इसकी वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लगा हुआ है। और गाइस, वीडियो में कितना एरिया कवर हो रहा है वो मुझे तो नहीं पता, अभी जाके देखना पड़ेगा, उसके बाद अगर वीडियो सही नहीं हुआ तो हो सकता है दोबारा भी शूट करना पड़े। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे तो लग रहा है काफ़ी सही से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं, बट आगे बताएंगे। अभी मैं गाड़ी को इतना ज़्यादा क्यों नहीं खींच रहा हूँ, मतलब नया गाड़ी है, अभी तक फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुआ, कितना किलोमीटर चला हुआ देख सकते हो, 1.7 किलोमीटर बस इतना ही चला हुआ है, इसकी वजह से। और मैं अभी देख सकते हो यहाँ तक आ चुका हूँ। और गाइस, ये गाड़ी अगर 2024 में आप खरीदना चाहते हो तो ऑब्वियसली कोई भी रीज़न नहीं चाहिए, गाड़ी आप जाके खरीद सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त है गाड़ी,
पिकअप में मामले में माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा आपको, और इसका लुक काफ़ी अच्छा है जिसकी वजह से आप खरीद सकते हो। और फुल बॉडी फाइबर की है ये, थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। पिकअप मामले में तो ज़बरदस्त है भाई। ओवरऑल गाड़ी का पूरा सब कुछ देखा जाए तो काफ़ी अच्छा गाड़ी है। आप 2024 में ये गाड़ी खरीद सकते हो, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। और गाइस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।